अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक लर्नर ऑफिशियल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट आज हम ई एन जी फाइव जीरो थ्री का लेसन फोटीन स्टार्ट करेंगे जो कि टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल है लेसन थोड़ा लंबा है लेकिन टॉपिक बहुत इजी है इसलिए इजीली हमारा सारा लेसन कवर हो जाएगा टॉपिक सेवेंटी टू से सेवेंटी सेवन तक इस लेसन में कवर किया गया तो टॉपिक सेवेंटी टू देख लेते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग जो कि राइटिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है सेम एज़ इट इज़ जिस तरह हमने रीडिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा है हमने स्पीकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा है इसी तरह बताया गया है कि राइटिंग प्रोसेस भी रीडिंग के तरह ही है जो कि एक सिक्वेंशियल प्रोसेस फॉलो करता है यानी कि एक तरतीब वार अमल जो होता है वहाँ से गुजर कर आता है ठीक है ये स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट स्पीचेस जो होती हैं वो तैयार करने में मदद करता है उनके राइटिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है किस तरह से स्टूडेंट जो, uh, जो है वो अपने आइडियाज़ को राइटिंग फॉर्म में लिखते हैं जिस तरह से उनकी राइटिंग स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है ठीक है उसके अलावा उन्होंने बताया कि टीचर जो है वो डिफरेंट स्टेप्स जो है वो फॉलो करके स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती हैं कि वो किस तरह से अपने राइटिंग स्किल को जो है वो इम्प्रूव करें पहला स्टेप हमारे पास प्री राइटिंग आ जाता है इसमें क्या होता है ये असल में हमारे पास एक प्लानिंग स्टेज होती है ठीक है जहाँ पर ब्रेन होती है डिफरेंट आइडियाज़ जो स्टूडेंट्स जनरेट करते हैं ठीक है जो कि फ्री राइटिंग का स्टेप होता है जहाँ पर राइटिंग इम्प्रूव होती है ठीक है इसमें हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे कि चार्ट्स, स्टोरी वेब ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र ये सारी चीज़ें हमें राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ठीक है थीके? उसके अलावा रफ़ ड्राफ्ट आ जाता है अब रफ़ ड्राफ्ट में क्या होता है यहाँ पर जो है वो हम एक पेपर पर अपने आइडियाज़ लिखते हैं ठीक है विदाउट एनी अटेंशन टू पंक्चुएशन और ग्रामर ठीक है यानी कि इन पर आ, हम कोई ये टेंशन नहीं ज़्यादा देते और अपने आइडियाज़ को जो है वो एक पेज पर लिखे जाते हैं और उसके बाद जो है वो उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन पहले हम कोई ग्रामर या पंक्चुएशन पर फोकस नहीं करते ठीक है उसके अलावा पीयर एडिटिंग आ जाती है इसमें क्या होता है इसमें जो होता है वो स्टूडेंट्स अपने रफ़ ड्राफ्ट जो होते हैं या अपने आइडियाज़ जो उन्होंने लिखे होते हैं उनको स्टूडेंट्स के साथ अपने दोस्तों के साथ टीचर्स के साथ शेयर करते हैं ठीक है उनसे फीडबैक लेते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो जैसे कि वाई हु वॉट क्यों हैपन हुआ, कैसे हुआ है कैसे हैपन हुआ है है ये सारी चीज़ें ठीक उसके बाद हमारे पास रिवाइजिंग स्टेज आ जाती है यहाँ पर क्या होता है कि जो रफ ड्राफ्ट में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स अपने पीयर ग्रुप जो होता है या फिर टीचर से जो मशवरे लिए होते हैं वो वहाँ एड करते हैं यानी कि रिवाइजिंग का प्रोसेस होता है ना ऊपर से नीचे तक सारा पढ़ते हैं और जो चीज़ों की जरूरत होती है ऐड करने की उसको ऐड करते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं उसके बाद एडिटिंग में क्या

टाइम ठीक है तो ये पब्लिशिंग स्टेज होती है तो ये सारी स्टेजेस जो हैं वो राइटिंग के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ठीक है, है? टॉपिक सेवेंटी थ्री स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक सेवेंटी थ्री में बताया गया है कि दे आर नंबर ऑफ अप्रोचेस टू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्किल ठीक है जिसमें हम क्या करते हैं कि राइटिंग को एज अ प्रोसेस और एज अ प्रोडक्ट देखते हैं ठीक है अगर एज अ प्रोडक्ट की बात की जाए अब प्रोडक्ट के फॉर्म में उन्होंने क्या बताया है कि इसमें मेजर एम जो टीचर्स का होना चाहिए ऑन द गोल ऑफ टास्क और एंड प्रोडक्ट पर ठीक है अगर प्रोडक्ट की बात की जाए अब उसके एग्जांपल में उन्होंने योनरा अप्रोच बताया है ठीक है जो कि सेकंड लाइन में डेफिनेशन बड़ी इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी कि प्रोडक्ट में फाइनल जो हमारी प्रोडक्ट होती है या हमारा जो गोल होता है टास्क का उस पर फोकस होता है ठीक है उसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस वही बात है डिफरेंट स्टेज से गुजर कर आता है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसमें डिफरेंट स्टेजेस आ जाते हैं जैसे कि सेकेंड पैराग्राफ में देखें एडिटिंग ड्राफ्टिंग रफ स्टेज और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रोसेस में आ जाती हैं जो कि डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं उसमें डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करके आया जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं उसके बाद योनरा योनरा की एग्जाम्पल दी गई है कि योनरा रिप्रेजेंट द नॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग अगर तो अगर तो मैं योनरा की एग्जाम्पल दूँ तो योनरा असल में कहते हैं किसी चीज़ के काइंड को या टाइप को ठीक है अब लाइक फॉर इंस्टेंट सम टाइम हमने कोई मूवी देखनी होती है तो हम पूछते हैं कि ये कौन सी मूवी है लाइक like हॉरर है या ट्रेजेडी है इसमें तो ये डिफरेंट काइंड होती हैं टाइप्स होती हैं तो योनरा उसी चीज़ को जो है वो शो uh, करवाता है तो योनरा जो होता है वो असल में किसी चीज़ की काइंड को या टाइप को शो करता है ठीक है तो इसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो है हु आर राइटिंग विद इन अ सर्टन योनरा किस सर्टन काइंड या टाइप या कैटेगरी योनरा असल में कैटेगराइज़ करता है ना चीज़ों को किसी चीज़ की काइंड है जैसे कि ड्रामा है तो उसकी कैटेगरी है आगे इसी तरह पोइट्री है तो उसकी कैटेगरियाँ आ गई तो वही बताया गया कि अगर तो आप डिफरेंट कैटेगरी में जा रहे हैं किसी यौनरा की कैटेगरी में तो देन नीड टू हैव नॉलेज ऑफ द टॉपिक तो आपको उस टॉपिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है तब जाकर आप उस पर लिख सकते हैं ठीक है अब लास्ट पे उन्होंने बताया कि दिस कैन बी प्रिस्क्रिप्टिव एज इट मे इंकरेज स्टूडेंट टू सी राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन रैदर दैन एज अ करिएटिव एक्ट डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो हदायत दी जाती है उसमें उनको अच्छे से गाइडेंस होती है तो वो किस तरह होती है कि वो उस चीज़ के बारे में सर्टन नॉलेज रखें ठीक है उसके अलावा ई एस पी इंग्लिश फ़ॉर स्पेसिफ़िक पर्पज़ अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो इसको याद रख लें ये क्विज़ के तौर पर आप लोगों को आ सकता है ठीक है उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग में हम इमेजिनेटिव टास्क जो होते हैं जैसे कि हम पोइट्री पे लिख सकते हैं स्टोरीज लिख सकते हैं प्ले वगैरह लिख सकते हैं तो क्रिएटिव राइटिंग में भी जो है वो हम राइटिंग अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बाद राइटिंग एज अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कैन शेयर देयर आइडियाज़ विद देयर फ्रेंड्स विद देयर टीचर्स एंड देन दे गेट फीडबैक ठीक है तो ये सारा जो है वो कोऑपरेटिव एक्टिविटी में आ जाता है उसके अलावा बिल्डिंग द राइटिंग हैबिट के ये भी हैबिट जो है वो बिल्ड करनी चाहिए स्टूडेंट्स में उनका जो कॉन्फिडेंस होता है उसको बढ़ाना चाहिए और स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो लिखें ठीक है उसके बाद टॉपिक सेवेंटी फोर आ जाता है जिसमें बताया गया टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल इन द क्लासरूम द टीचिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग एम्स एड थ्री डिफरेंट गोल्स अब वो तीन डिफरेंट गोल्स कौन से हैं एक तो इन्हेंस करना लेटर रिकोगनीशन को राइटिंग के दौरान उसके अलावा साउंड स्पेलिंग की प्रैक्टिस करना उसके अलावा स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने में मदद करना जैसे कि वर्ड्स जो होते हैं लेटर से वर्ड word बनता है वर्ड्स और सेंटेंस बनता है उनको किस तरह इकट्ठा करके लिखना है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ठीक है उसके अलावा थ्री मेजर टाइप ऑफ रिकोगोग्नीशन टास्क हैं जिनमें हमारे पास मैचिंग टास्क है राइटिंग टास्क है और ये सारे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने जस्ट मेन मेन पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किए हैं उसके अलावा साउंड स्पेलिंग और उन्होंने बताया कि साउंड स्पेलिंग जो है ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो बन जाता है किस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर तो हम फोनमिक साउंड की बात करें तो वो फोर्टी फोर है ठीक है और इसी तरह अगर हम इंग्लिश लेटर्स की बात करें वो ट्वेंटी सिक्स हैं तो ये क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो जरा सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के माइंड में और वो इसमें ईजीली जो है वो समझ नहीं पाते है. तो ये चीज़ें जो है वो उनके लिए क्लियर होनी चाहिए अगर आप उन्हें कोई टॉपिक दे रहे हैं तो वो टॉपिक भी उनके लिए ऐसा होना चाहिए जो उनको इजीली वो अपना मैसेज उसमें कन्वे कर सकें ठीक है इसमें लास्ट में बताया गया है कि वन टू वन वे जो है वो प्रोसेस होना चाहिए यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर जो वो इजीली उसमें इंटरेक्ट कर सकें इजीली कोई क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकें ठीक है आपने जस्ट इसको अपने माइंड में रखना है याद करने के लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है उसके बाद टॉपिक सेवेंटी आ जाता है जिसमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं और एक्टिविटीज़ हैं राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए ठीक है अब उन्होंने बताया कि सेवरल स्ट्रैटेजीज़ और एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम चंद एक शेयर करते हैं ठीक है जिसमें हमारे पास पहली स्टेज है प्रैक्टिकल राइटिंग टास्क अब प्रैक्टिकल राइटिंग टास्क जो है वो यूजली प्रोसीजरल है और एक्सट्रीमली यूजफुल है ठीक है और ये फोकस करता है स्पेलिंग्स के ऊपर ठीक है इसमें हम क्या करते हैं हम बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं स्पेलिंग्स वगैरह और ये सारी चीजें उसके अलावा उन्होंने बताया लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स नोट्स शॉर्ट मैसेज ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें हेल्प कर सकती हैं उसके बाद पर्सनल राइटिंग टास्क इसमें क्या होता है ये जो है वो फोकस करता है ऑन राइटिंग ऑफ लेटर्स और डायरीज और नेगेटिव डिस्क्राइब्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस ठीक है यानी कि ये सारी चीज़ें जो हम पर्सनल राइटिंग में लिखते हैं जैसे कि हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए हमारी डायरीज वगैरह तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं ठीक है अगर तो हम एक्सपीरियंसिस की बात करें तो स्पेलिंग ऑफ पास्ट टेंस फॉर्म कैन बी व्यूव एंड प्रैक्टिस उसके अलावा अगर हम लेटर uh, राइटिंग के साथ करें तो इसका एम्फेसिस जो है वो कैन बी प्लेस्ड ऑन फॉर्मेट प्रोनांसिएशन स्पेलिंग इन सब पर होता है ठीक है तो ये जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन किया एक दफा इन्हें पढ़ लीजिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा स्कूल ओरिएंटेड टास्क क्या होता है? क्या होता है कि टीचर्स जो है वो डिफरेंट टास्क देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स है, है? की इस स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव करती हैं, ठीक है, है? देन पे हमारे पास फोर्थ स्टेज है वो डायलॉग जर्नल राइटिंग आ जाती है एट द अर्ली स्टेज इसमें क्या होता है कि ये वन टू वन बेसिस पर जो है वो टीचर्स को स्टूडेंट्स को अनेबल करता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें ठीक है थीके? उसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें फीडबैक जल्दी से ले सकते हैं और अपनी राइटिंग को जो है वो पॉलिश कर सकते हैं तो ये हमारे पास डायलॉग है एक तरह से कम्युनिकेशन होती है ठीक है उसके बाद रोल ऑफ अ टीचर एज अ मोटिवेटर मोटिवेटर के तौर पर क्या करता है वो स्टूडेंट्स को इनक्रेज करता है उनको पर्सवे करता है कि वो लिखें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ को एज अ रिसोर्स भी काम करता है जो कि लास्ट पर मैंने हाईलाइट नहीं किया ठीक है उसके बाद फीडबैक प्रोवाइडर है यानी कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं अब लास्ट पर उन्होंने बताया कि ये फीडबैक इतना भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है वो एट दैन डिस्करेज हो जाएँ और दोबारा लिख ही ना सकें ठीक है उनको थोड़ा बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी देते रहना चाहिए ठीक है उसके बाद टॉपिक सेवेंटी सिक्स आ जाता है जिसमें स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज आ जाती हैं अगेन स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज पढ़ेंगे ठीक है अब पहला हमारे पास इसमें पॉइंट ब्रेन स्ट्रॉमिंग आ जाता है मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अब दूंगी आप लोगों को क्योंकि इतना भी ज्यादा ये याद करने वाली चीजें नहीं है अगर थेरी या डजन बने जस्ट थेरी सारी याद करनी है आप जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करें आप लोगों का कवर हो जाएगा ये सब्जेक्ट अब ब्रेन स्ट्रॉमिंग में क्या होता है अब ब्रेन में जो है वो स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं ठीक है उसके अलावा उन आइडियाज़ को अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर्स के साथ जो शेयर करते हैं फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लेते हैं और उनको एक पेज पर नोट डाउन कर लेते हैं उसके बाद लिस्टिंग ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अनलाइक ब्रेन है इसमें हम क्या करते हैं कि एक लंबी सी लिस्ट बना लेते हैं उस पर हम बहुत सारे आइडियाज़ लिखते हैं ठीक है अब जो स्टूडेंट्स जो है वो साइकोलॉजिकल कली जो है वो फ़ील नहीं करते कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनमें ये स्किल उनके लिए होता है कि वो अपने आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा रेंज में लिखें ठीक है और अपने स्किल को जो है वो इम्प्रूव करें ठीक है उसके बाद हमारे पास क्लस्टरिंग आता है इसकी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो ये होता है एज अ क्लू ठीक है इसमें हम डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं लेकिन क्लू की फॉर्म में जल्दी जल्दी से उसको लिखते हैं पेजेस के ऊपर ठीक है आ, उसमें काफ़ी लोगों की राय भी होती है ठीक है तो उन सब पे बेस्ड होता है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स होता है ठीक है फ्री राइटिंग में क्या होता है फ्री राइटिंग में हम राइटिंग फ्रीली करते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रामर स्पेलिंग यानी यानी कि इन सब पे हम फोकस नहीं करते ठीक है रिवाइजिंग में असल में हम नजरसानी करते हैं ठीक है दोबारा से कौन सा फॉर्मेट इकट्ठा कर सारी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड होती हैं ठीक है जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैंने बताया कि पी रिव्यू कलर कोडिंग एक्टिविटीज जैसे कि ग्रीन डॉट है तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए यानी कि ठीक कोई चीज़ होती है तो उसके लिए येलो डॉट है क्वेश्चन के लिए जबकि रेड डॉट है कन्फ्यूजन के लिए तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी फॉर्मली सबको पता होती हैं उसके बाद एडिटिंग जो है इसमें क्या होता है कि टीचर्स क्रिएटेड रिएटेड चेकलिस्ट यानी कि जो एरर्स होते हैं उनको खत्म करते हैं टीचर रो रोल प्ले राइटिंग चांस टू राइटिंग टू एन इमेजनरी करेक्टर इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को असल में मौका मिलता है कि वो इमेजनरी रोल प्ले कर सकें और कुछ इमेजनरी क्टर के साथ मिल सके उसके बाद पोस्ट कार्ड आ जाता है ठीक है पोस्ट कार्ड में भी जो है वो फ्रेंड्स के साथ बातचीत होती है और उनसे कुछ रिव्यूज लेते हैं उनको कार्ड देते हैं ठीक है उस पर अपनी क्यूरीज लिखते हैं और उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं उसके बाद टेक्स्ट लिंगो आ जाता है इसमें क्या होता है कि इसमें राइटिंग टेक्स्ट मैसेज एंड दे रिप्लाइज टू फ्रेंड्स ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी uh, है ठीक है उसके बाद टॉपिक सेवेंटी सेवन आ जाता है जो कि असेसमेंट है ऑफ राइटिंग स्किल अब राइटिंग असाइनमेंट में क्या होता है ये एक तरह से की कंपोनेंट है राइटिंग क्लासेस का ठीक है इसमें कोई एक स्विटेबल सा टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है उन्हें कहा जाता है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ठीक है रिस्पॉन्डिंग टीचर जो है वो रिस्पोंड करते हैं ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ठीक है तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन हैं एक दफ़ा इन्हें पढ़ लीजिएगा आप लोगों को समझ आ जाएगी ठीक है ये भी मेन टास्क होता है ऑफ द राइटिंग टीचर एंड सर्टनली द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया गोल सेटिंग में क्या होता है गोल सेटिंग में टीचर्स नीड टू डेवलप सर्टेन गोल्स फॉर देयर स्टूडेंट्स ठीक है रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्डिंग यानी कि जो रिस्पॉन्स टीचर देते हैं उसके ऊपर कोई डिफरेंट गोल्स स्टूडेंट्स को देने चाहिए ठीक है इन सेटिंग गोल्स टीचर्स शुड फोकस ऑन अ वाइटी ऑफ रिस्पॉन्स टाइप मैंने आप लोगों को पहले बताया कि रिस्पॉन्स इतना भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टीज़ क्रिएट कर दें या फिर वो थोड़े से डिस्करेज हो जाएँ उसके बाद स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ क्वेश्चनिंग आ जाता है क्वेश्चनिंग में क्या होता है कि ये हेल्प करता है टीचर्स को आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी कि स्टूडेंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर सकें स्टूडेंट्स के लिए जो है वो टीचर को एक और चीज़ जो है वो करनी चाहिए कि इन्हें फ्रीली कर देना चाहिए कि वो इजीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सके ठीक है यानी कि ओपन क्वेश्चन होने चाहिए ना कि क्लोज क्वेश्चन होने चाहिए ओपन क्वेश्चन में एग्जाम्पल uh, दी है कि इज़ एक्स इंपॉर्टेंट वाई इज़ एक्स इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये क्या होता था, था कि बचपन में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कि चीज़ क्यों होती है मतलब कुछ चीज़ें तो नॉर्मली होती हैं अब इस स्टेज पर जाके हमें पता चलता है तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है कि वो जो दिल में आए जो क्वेश्चन उनका दिल करे वो पूछें ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो ख़त्म हो सके उसके बाद कॉमेंट ऑनली फीडबैक ओनली राइट कॉमेंट ऑन लर्नर्स वर्क एंड डोंट गिव मार्क्स इसका क्या मतलब है कि उनको मार्क्स ना दें ये भी स्टूडेंट्स को जो है डिस्करेज कर देता है मोस्टली अगर आप उन्हें मार्क्स देंगे तो उनका ज़्यादा फोकस जो है वो रिवार्ड और पनिशमेंट पर होगा कि हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं ना कि उनका फोकस लर्निंग होगा उसके बाद पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट मॉडल में हाउ टू गिव पीयर फीडबैक ठीक है और लर्निंग वाक में वाल में क्या होगा कि वेयर लर्नर कैन पोस्ट पॉजिटिव फीडबैक अबाउट अदर्स ठीक है बाकी जो ये नीचे है सेल्फ असेसमेंट प्रॉम्प्ट जो है ये भी क्या करता है प्रोवाइड करता है टीचर्स जो है प्रोवाइड करता है सेल्फ, सेल्फ असेसमेंट प्रॉम्प्ट ये भी स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो खुद से अपनी असेसमेंट करें ठीक है ख़ुद को टॉपिक्स दें और उनको चेक करें तो ये सारी चीज़ें जो है सेल्फ असेसमेंट प्रॉम्प्ट्स में आ जाती हैं बाकी जो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मटेरियल है ये ये नहीं करना जस्ट सेल्फ असेसमेंट प्रॉम्प्ट तक करना था आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ईजिली इजिली मैंने हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कोई चीज़ रह गई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं आप लोगों को टाइमली जो रिस्पॉन्स भी मिलेगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें अगर तो आप लोगों को वाकई मेरी समझ आती है बाकी दुआओं में याद रखें